अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी डिस्कस अबाउट बॉडी फॉर्म ऑफ फंजाई। बॉडी की जो फंजाई की बॉडी होती है उसको हम कहते हैं माइसीलियम। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई गई है ये फिगर ए में, ये माइसीलियम है। जब हम माइसीलियम को जूम करके देखते हैं तो हमें माइसीलियम में क्या नज़र आते हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आती है जिसको हम नाम देते हैं हाइफी का। ठीक है, तो बहुत सारे हाइफी मिलकर क्या बनाते हैं, माइसीलियम। तो माइसीलियम के अंदर क्या होते हैं, हाइफी होती है, और आगे हाइफी डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। ये आपको स्ट्रक्चर में दिखाई गए हैं सी डी और ई में। ये देखें, ये एक सिंगल हाइफी है, इसमें कहते हैं बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और ये इसकी जो वॉल्स हैं वो एक दूसरे के साथ सेपरेट नहीं किए गए। मतलब कि न्यूक्लियस जितने भी न्यूक्लियस है सारे के सारे साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लॉट कर रहे हैं। इसके नीचे देखें जो डायग्राम डी है, कहता है इसमें हर सेल सेप्टा की मदद से सेपरेट हो गया है। ये एक सेल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इसी तरह हाइफी में सेल की डिवीजन हो गई है। हर सेल में सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, इसी तरह डायग्राम ई में देखें, कहता है सेल आपस में एक दूसरे से सेपरेट है किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ सेप्टा। और हर सेल में कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दो दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो इस बेस पे हम हाइफा को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट हम स्लाइड में देखते हैं कि इनके हमने क्या नाम रखे हैं और इसकी क्या क्या फंक्शन है। दी बॉडी ऑफ फंगस, कहते हैं द बॉडी ऑफ फंगस कॉल्ड माइसीलियम। फंजाई की बॉडी को हम किसका नाम देते हैं, माइसीलियम। कहते हैं कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर एंड ब्रांच ट्यूबुलर थ्रेड लाइक फिलामेंट्स कॉल्ड हाइफी। कहते हैं माइसीलियम में क्या चीज़ प्रेजेंट है, ये माइसीलियम लंबे होते हैं, सिलेंडर होते हैं, मतलब कि अंदर से वाले होते हैं, ब्रांच ट्यूबुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसा कि थ्रेड लाइक फिलामेंट, जैसा कि धागा होता है उस तरह की इनकी स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम नाम देते हैं हाइफा, हाइफी। बहुत सारे, बहुत ज़्यादा होंगे तो उसे हाइफी, उस अगर सिंगुलर होगा तो उसे हाइफा का नाम देंगे। कहते हैं बहुत सारे हाइफी आपस में मिल के क्या बना देते हैं, माइसीलियम बना देते हैं। कहता है हाइफी स्प्रेड एक्सटेंसिवली ओवर द सरफेस ऑफ सबस्ट्रेटम। कहता जिस भी स्ट्रक्चर के साथ कोई भी चट्टान हो या कोई भी स्ट्रक्चर हो जिस पर ये माइसीलियम प्रेजेंट होंगे, कहता ये उधर बहुत स्पीडली क्या कहते हैं, ग्रो करते हैं और पूरी की पूरी सबस्ट्रेट के ऊपर स्प्रेड कर देते हैं। कहता फंजाई की जो बॉडी होती है उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और ये सेल वॉल किस केमिकल से मिलकर बनी होती है, काइटिन से मिलकर होती है। कहता काइटिन इन देयर वॉल्स इज मोर रेजिस्टेंस टू डिके दैन सेलुलोज एंड लिग्नन विच मेक द प्लांट सेल वॉल। कहते प्लांट की सेल वॉल में कौन सा केमिकल कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, सेलुलोज और लिग्नन, जबकि फंजाई की जो सेल वॉल है उसमें कौन सा केमिकल मटीरियल प्रेजेंट है, काइटिन। कहता है जो काइटिन केमिकल होता है वो क्या होता है, मोर रेजिस्टेंट है किसकी निस्बत, सेलुलोज और लिग्नन की निस्बत, इसलिए इसको डिस्ट्रॉय करना, फंजाई को डिके करना बहुत मुश्किल है। किसकी किसकी निस्बत है, प्लांट्स की निस्बत, कहता है इसको डिके करना मुश्किल होता है। उसके बाद कहता है कि हाइफी मे बी सेप्टेट और नॉन सेप्टेट। कहता है हाइफी की बॉडी दो तरह की हो सकती है, या सेप्टेट होगी या नॉन सेप्टेट होगी। अगर हाइफी डिफरेंट सेल में डिवाइड हो गया तो उसे हम बोलते हैं सेप्टेट, और अगर वो डिफरेंट सेल में डिवाइड नहीं हुआ तो उसे हम बोलते हैं नॉन सेप्टेट। सबसे पहले सेप्टेट हाइफी देखते हैं कि सेप्टेट हाइफी कौन से होते हैं। कहता कि सेप्टेट हाइफी आर डिवाइडेड बाई क्रॉस बॉल्स कॉल्ड सेप्टा, और अगर सिंगुलर होगा तो उसे क्या बोल देंगे, सेप्टम, इनटू इंडिविजुअल सेल्स कंटेनिंग वन और मोर न्यूक्लियर। आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। पहले फर्ज करें ये एक हाइफी है,
ठीक है, अगर ये सेप्टा की मदद से डिवाइड है, यह एपिसेप्टा की मदद से क्या है, डिवाइड है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, सेप्टेड हाइफी। पता है एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस भी हो सकता है और एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी हो सकते हैं। सेप्टेड हाइफी आर डिवाइडेड बाय क्रॉस वॉल्स, ये क्रॉस वॉल है, ये जो सेप्टेड दिखाया गया है ये क्या है, क्रॉस वॉल, इसको हम बोलते हैं सेप्टा, इनटू इंडिविजुअल सेल कंटेनिंग वन आर मोर न्यूक्लियर। उसके बाद देखते हैं नॉन सेप्टेड हाइफी, कहते नॉन सेप्टेड हाइफी लैक सेप्टा, कहते नॉन सेप्टेड हाइफी में सेप्टा प्रेजेंट नहीं होते एंड आर नॉट डिवाइडेड इनटू इंडिविजुअल सेल, और हाई बार इंडिविजुअल सेल में डिवाइड नहीं होता। इंस्टेड दीज आर इन द फॉर्म ऑफ एन इलांगेटेड मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल, कहते बल्कि ये किस फॉर्म में होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड लार्ज सेल की फॉर्म में होता है। साइड टाइप ऑफ हाइफी इज कॉल्ड क्विनोसाइटिक हाइफी, तो इनको दूसरा नाम किसका दिया जाता है, क्विनोसाइटिक हाइफी। आपसे क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज मीन बाय क्विनोसाइटिक हाइफी, तो कौन से होते हैं हाइफी, कहते जो सेप्टा की मदद से इंडिविजुअल सेल में डिवाइड नहीं होते हैं, वैसे हाइफी को हम किसका नाम देते हैं, क्विनोसाइटिक हाइफी, इन विच साइटोप्लाज्म मूव अफेक्टिवली एंड डिस्ट्रीब्यूट द मटीरियल थ्रू थ्रू आउट, और जो भी मटीरियल होता है वो पूरे के पूरे सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है। तो ये जो हाइपी है डायग्राम सी में, ये कौन सा है, क्विनोसाइटिक हाइपी है, मतलब कि इसमें सेप्टा मौजूद है नहीं है, तो इसको हम किसका नाम देंगे, ए नॉन सेप्टेड हाइपी या क्विनोसाइटिक हाइपी। और ये दो दूसरे जो डी और ई है, ये सेप्टेड हाइपी है, मतलब कि इनमें सेप्टेड की मदद से हाइपी इंडिविजुअल सेल में डिवाइड हो गया है। कहते ये देखें इस हाइपी में सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इस हाइपी के जो इंडिविजुअल सेल में सेल है उनमें दो दो न्यूक्लियस प्रेजेंट। उसके बाद कहते सेप्टा ऑफ मैनी सेप्टेड फंजाई हैव पोर्स थ्रू विच साइटोप्लाज्म फ्लो फ्रॉम सेल टू सेल, कैरी द मटीरियल्स टू ग्रो ग्रोइंग टिप्स एंड इनेबलिंग द हाइफी टू ग्रो रैपिडली व्हेन फूड एंड वाटर आर अबंडेंट एंड टेम्परेचर इज फेवरेबल। क्या कह रहा है, कहता कि मैं आपको दिखाता हूँ, कहता फर्ज करते हैं कि ये एक पाइप है, ठीक है, कहता है इनके जो सेप्टेड होते हैं, ये क्या ड्रा कर दिया सेप्टेड, कहता है इसके जो सेप्टा होते हैं उनमें ये पोर्स होते हैं, ये देखा आपको पोर्स नजर आ रहे होंगे, इनके दरम्यान में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। कहता है इन पोर्स की मदद से साइटोप्लाज्म एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर हो सकता है। कहता है सेप्टा ऑफ मैनी सेप्टेड फंजाई है पोर्स, कहता है ये देखा आपको पोर्स नजर आ रहे हैं कि इनके अंदर इंडिविजुअल सेल के अंदर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। कहता है इनकी मदद से साइटोप्लाज्म एक सेल से दूसरे सेल में ग्रो कर सकता है, मूव कर सकता है। कहते कैरी मटेरियल टू ग्रोइंग ट्यूब्स, ग्रोइंग ग्रोइंग ट्यूब्स कौन सी है, ये वाली जो एंड पॉइंट होते हैं ये इनको हम बोलते हैं ग्रोइंग ट्यूब्स। कहते जब फ्लूड या साइटोप्लाज्म इस लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में जाता है, जब ग्रोइंग ट्यूब के पास पहुंचता है, तो ये इसकी लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह जब साइटोप्लाज्म राइट टू लेफ्ट साइड पे आता है, तो इस ग्रोइंग ट्यूब के साथ टकराता है, तो इसकी लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरह हाइफी क्या करते हैं, लंबे होते जाते हैं। कहते हैं इनेबल द हाइफी टू ग्रो रैपिडली व्हेन फूड एंड वाटर आर अबंडेंट एंड
टेम्परेचर इज फेवरेबल। तो दो कंडीशन है ज़रूरी है फंजाई की ग्रोथ के लिए, कौन कौन सी? एक टेम्परेचर फेवरेबल होना चाहिए और दूसरा फूड और वाटर की रिक्वायरमेंट है पूरी होनी चाहिए। उसके बाद कहते हैं ऑल पार्ट ऑफ फंगस ग्रोइंग थ्रू द सबस्ट्रेट और मेटाबॉलिकली एक्टिव। कहते जितने भी फंगस होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, मेटाबॉलिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, मतलब कि उनमें लाइफ की तमाम एक्टिविटीज़ कैरी आउट कर रही होती हैं। एक्सटेंसिव स्प्रेडिंग सिस्टम ऑफ आईपी प्रोवाइड इनॉर्मस सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन। कहते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पीड से फैलते हैं इसलिए इनको खुराक अब्जॉर्ब करने के लिए बहुत सारा सरफेस एरिया मिल जाता है। अब्जॉर्ब क्या होता है, हमें पता है कि ये जो फंजाई होते हैं ये इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये अपनी खुराक कैसे असर करते हैं। ये हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, हेटरोट्रॉफ्स का मतलब होता है कि ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते बल्कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। तो ये ज़्यादातर क्या होते हैं, डीकम्पोजर होते हैं, पैरासाइट भी होते हैं और डीकम्पोजर भी होते हैं। कहता है हमें पता कि ये कौन से हेटरोट्रॉफ है, ये अब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ है, मतलब कि इनके लिए कोई स्पेशल कैविटी नहीं है कि वो उस कैविटी के जरिए खुराक को ले सके। ये बॉडी को खुराक इनके बॉडी के जिस पार्ट से भी टच होगी वो ये वहीं से खुराक को ऑब्जॉर्व करना शुरू कर देते हैं। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई, तो मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो कहता है हाइफी मे बी पैक टूगेदर एंड ऑर्गेनाइज टू फॉर्म कम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सच एज मशरूम्स पफबॉल्स एंड मोरल्स विच कैन एक्सपेंड रैपिडली। तो कहता है कि ये हाइफी क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज होके डिफरेंट हाइफी एक ऑर्गेनाइज होकर एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो इन इस कम्प्लेक्सिटी की बेस पर इसकी बहुत सारी फंजाई की टाइप्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मशरूम ये हाइफी फंजाई की एक एग्जाम्पल है, इसी तरह पफबॉल और मोरल्स भी फंजाई की एग्जाम्पल है। कहते हैं विच कैन एक्सपेंड रैपिडली और ये जिस सबस्ट्रेट पे होती है वहाँ पर बहुत स्पीडली ग्रो करती हैं। कहते हैं ये स्टार नॉन हाइपल यूनिसेलुलर फंजाई। कहते हैं ये जो यीस्ट है ये भी फंजाई की एक एग्जांपल है लेकिन ये क्या होती है, नॉन हाइपल होती है, मतलब कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नहीं होती और ये सिर्फ सिंगल सेल पर मिश्रमिल होती है। कहते हैं ऑल फंजाई न्यूक्लियाई आर हैप्लॉइड एक्सेप्ट फॉर ट्रांजिएंट डिप्लॉइड ज़ायगोट दैट फॉर्म ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहते हैं जितने भी फंजाई के न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियाई होते हैं वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन जब ये हैप्लॉइड रिप्रोडक्शन में एक दूसरे के साथ फर्टिलाइज करते हैं तो फिर कैसे हो जाते हैं, ये डिप्लॉइड हो जाते हैं। हैप्लॉइड से क्या मुराद है कि ये सिंगली फॉर्म में होते हैं और डिप्लॉइड से क्या मुराद है कि ये पेयर की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो कहते हैं फंजाई के जितने भी सेल होते हैं उनमें सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। सिर्फ किस स्टेज पर ये डिप्लॉइड होते हैं, जब ये ज़ायगोट बनाते हैं तो उस फॉर्म में ये क्या हो जाते हैं, डिप्लॉइड हो जाते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, कुछ क्वेश्चन है आज के लेक्चर और पिछले लेक्चर को मिला के। कहता व्हाट इज फंगस, एक्सप्लेन फंगस को एक्सप्लेन करना आपने कि क्या होती है, इसको बॉडी को एक्सप्लेन कर दें, या आप बता सकते हैं इसकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बता सकते हैं कि ये यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। ये क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं माजवा यीस्ट के। उसके बाद आप बता सकते हैं कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये हेटरोट्रॉफ होते हैं, कैसे हेटरोट्रॉफ होते हैं, ये अब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स हैं, ये डीकम्पोजर हो सकते हैं, पैरासाइट हो सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन कोइनोसाइटिक हाइपी एंड सेप्टेट हाइपी, जिनमें सेप्टेट प्रेजेंट नहीं होता उन्हें हम कोइनोसाइटिक हाइपी बोलते हैं, जिनमें प्रेजेंट होता है उसे सेप्टेट हाइपी। इसी तरह वाइस एसेप्टेट हाइपी आर आल्सो कॉल्ड कोइनोसाइटिक हाइपी। तो ये आपने एक्सप्लेन करते हैं ड्यूरिंग डिफाइंड न्यूक्लियर माइटोसिस इन फंजाई, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। व्हाट इज माइसीलियम, माइसीलियम से क्या बना था, ट्राई टू सिमिलैरिटीज बिटवीन फंजाई एंड प्लांट्स, ये भी हमने
प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, तो ये आपसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये आपने तैयार करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। थैंक यू।